हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में क्या सिखा रहा हूँ आइए दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। अब जनरली होता क्या है, रोल नंबर हम क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इनको हटाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जनरली करते क्या है हम लोग। जैसे मान लीजिए रोल नंबर 1 देना है, 2 देना है, इसी सीक्वेंस में देना है, तो यहाँ पर 2 लिख करके यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लास्ट तक चले जाते हैं, या इसी तरह का कोई अन्य शॉर्टकट मेथड फॉलो कर लेते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हम ये 5, अब जैसे ये 5 वाला रिकॉर्ड हमने डिलीट किया तो जरा देखिएगा यहाँ पर 4 वाला रोल नंबर गायब हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 7 वाला रिकॉर्ड हमने डिलीट किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4 गायब है, 5 आ रहा है, 6, 7 गायब है, 8 आ रहा है। तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप करेंगे कि ये जो है आपको दिक्कत ना आए, ऐसी दिक्कत आपके सामने ना पेश आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। ये हटा दिया हमने, फॉर्मूला के लगाएंगे इज इक्वल टू का निशान लगा के रो का फॉर्मूला लगाएंगे। रो का फॉर्मूला मैंने सिखाया है। अब जरा देखिए ऊपर जो है हेडिंग कौन से रो नंबर में है, एक नंबर में है, तो एक ही रो हमें माइनस करनी है। यहाँ पर एक रो को माइनस कर दिया और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर 1 आ रहा है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये सब आ गया। अभी 13 तो चाहिए नहीं, 12 ही तक चाहिए हमें, 12 तक चाहिए। अब मान लीजिए कि बीच में से एक नाम डिलीट करना पड़े, जैसे मान लीजिए कि ये वाला नेम हमें डिलीट करना हो, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ ये रेड कलर से, फिर ये वाला नाम डिलीट करना है, जिनको भी डिलीट करना है उसको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ से जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, अगर डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर जाता है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, और रोल नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जा रहा है, उसके पहले नहीं हो रहा था एडजस्ट, लेकिन देखिए ये एडजस्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर फिर वापस से एडजस्ट हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट अगर नहीं होता है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन।